चीज देख सकते हो उड़ते हुए अबाबिल है, इसका जिक्र है कुरान पाक में। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैडी, आप देख रहे हैं फैडी जोन व्लॉग्स। चेक करो, ओए जो हवा चल रही है ना, इससे अंदाज़ा लगा लो कि क्या हवा है। तो मैंने अभी व्लॉग चालू किया, तो बारिश होगी तो भी दिखाऊंगा आप लोग को इंशाल्लाह। सुन सकते हो बादल की आवाज़। तो अभी हम लोग जा रहे थोड़ा अंदर, मतलब अंदर से क्लाइमेट बहुत प्यारा लगेगा ना, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो हम लोग आए थे बकरे को लेके, तो ये देख सकते हो बकरा, तो बकरे को लेके आए थे हम लोग। और क्या मौसम हो चुका है, अचानक माहौल पूरा ठंडा हो चुका है। क्या वहाँ से बारिश आ रही है सामने से पूरी, और ये क्लाइमेट देखो, इससे अंदाज़ा लगाओ क्या हवाएं क्या चल रही है। तो सामने से बारिश आ रही है, तो अभी ठिकाना अच्छा वाला ढूंढना चाहिए जिससे हम लोग बारिश से भीग नहीं सकते। और आगे जा रहे दादा लोग, तो देख सकते हो पूरा माहौल कैसा है। आज का क्लाइमेट बहुत चिल्ड है, देख सकते हो। बारिश आ चुकी है, वो देखो सामने की तरफ, वो देख सकते हो वहाँ पे बारिश आ रही है, वहाँ से बचते हुए आ रही है बारिश। तो अभी चलते हैं अंदर। तो हम लोग बकरे को लेके आए थे, देख सकते हो, और माशाल्लाह बकरा भी कितना प्यारा हो चुका है। तो देख सकते हो पीछे से दौड़ता है, देखो कैसा। आमीन। सिर्फ आवाज सुनो, मुझे लगता है सब बिल्डिंग के अभी ऊपर वाले छत जाने वाले, इतनी तेज तूफान आ रही है। इसको देखो, माहौल पूरा चिल्ड हो चुका है। बारिश आ चुकी है, देखो यहाँ से बारिश आ रही है। एक बिजली रिकॉर्ड हो जाए, मजा आ जाएगी। यहाँ तक बारिश आ रही है, पूरा बारिश में भीग रहा हूँ मैं, पीछे देख सकते हो कि बारिश। हाय अल्लाह,
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من نار جن فبأي آلاء ربكما تكذبان. माहौल क्या हो रहा है क्या नहीं देख सकते हो, पूरी बारिश हो रही है, सब इधर बारिश ही बारिश है देख सकते हो, पर इसको कोई असर ही नहीं है. देखो जूम हो जा, देख सकते हो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, बारिश हो या ना हो सिर्फ खाना है. एक ही स्कोप लेके बैठा है कि खाना है मुझे. प्यारा हो चुका है माशाल्लाह, देख सकते हो उसको, इंशाल्लाह और होगा अच्छा. तो बारिश कम हो चुकी है, माहौल पूरा ठंडा हो चुका है. बारिश का आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग, ऐसा बारिश आ रही है ना फुल तेज़ी से, क्या बताओ. जब तेज़ी से बारिश आती है ना तब ऐसा आवाज़ आता है, और बहुत ज़ोरों की बारिश आ रही है आगे से. तो हम लोग ने बकरे को भी लेके आए खाना खाने, तो वो खाएगा, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तब तक हम लोग जा नहीं सकते. तो माहौल के हम लोग भी मज़ा लेंगे और आप भी लो. तो सीन देखो बहुत प्यारा हो रहा है, और थोड़े बहुत क्लिप्स और बनाता हूँ बारिश आने वाले, तो देखते इंशाल्लाह बनाऊँगा. और ज़रा बाल को मेरे देखना नहीं कैसे ही हो चुके. तो बारिश देखो बहुत ज़ोरों से आ रही है, ये साइड से बारिश मेन आ रही है. ये देख सकते हो बकरे को, प्यारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल करीम. और मेरे जान मेरे को डिस्टर्ब ना करो, मुझे खाने दो. और आवाज़ सुन सकते हो, जी मजा हो. हाँ याकूत बहुत, वो बोल रहा है कि ठंडे मौसम में ठंडे ठंडा खाना है, अच्छा लग रहा है. उसको नहलाने का था आज घर पे जाके, पर वो आज नहा रहा है. तो हाँ उसको गर्म पानी से नहलाएंगे ना, तो और वो उसकी जो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर आ जाएगी, ठंडी उसकी चली जाएगी, ठंडी नहीं लगेगी उसको. वो साइड देखो, तो जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते वो लोग ने कल का सीन देख लिए होंगे, यही साइड का सीन था वो स्टोरी जो थी मेरी कल. बारिश देखो, दिक्कत है कैमरे पे वाटर ड्रॉप आता है ना तो पूरा सीन अलग हो जाता है, पूरा ब्लर हो जाता है. और बारिश में भीगने की मज़ा ही बहुत प्यारी है, तो बारिश का माहौल मेरे को बहुत प्यारा लगता है. और दादा को देख सकते, आज खेड़ में बहुत बारिश हो रही है, क्या हाल चालू है ठंडी के मौसम में बारिश. उसको देखो वो खाने में बिजी है. साइड बहुत प्यारा सीन है, क्लाउडी मौसम है ये साइड, मजा आ रही है. मिकदाद यहाँ पे आ चुके बारिश. मिकदाद आपको कैसे लग रहा है आज का माहौल बारिश वाला? भीगो मत, भीगो मत, दरख्त के नीचे
तो दरख्त के नीचे पार्किंग करो आपकी, तो दो पार्किंग हो चुके। तो मेरे व्लॉगिंग चैनल पे सबसे बड़ा हाथ दादा का है, तो थैंक्स फॉर दादा। जज़ाकअल्लाह। ओके, बारिश में भीग रहा हो, दादा बोल रहे बारिश में भीग मत वरना व्लॉग कैसे बनेंगे। फिर भी मुझे भीगना है बारिश में, मुझे अच्छा लगता है बारिश का माहौल, तो प्यारा माहौल है और भीग रहा हूँ थोड़ा मैं। वो लोग वहाँ पे है और मैं भीग रहा हूँ। बीस करोड़ मुबारक हो, आप 20 करोड़ जीत गए। हमारे जंगल में बड़ा बंदर मिकदाद नाम वाला बंदर। गौर से देखिए बंदर को, ना पूछ है ना मूछ है। बारिश रुक चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं घर पर। तो आज के व्लॉग में इतना ही था, तो मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक ले दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।